नमस्कार, बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच कई महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। अपर सचिव राज्यपाल सचिवालय बिहार के निर्देशानुसार स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत संबद्ध महाविद्यालयों में माह जुलाई 2020 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात नियमित पठन पाठन संचालन का निर्णय लिया जाएगा। इस दरमियान सभी विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य, कर्मी पूर्व की भांति नियमित रूप से भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित SOP का पालन करते हुए विभाग महाविद्यालय में तथा सभी शिक्षक अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। साथ ही विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र के द्वारा जारी निर्देश के तहत ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षकों द्वारा नियमित ऑनलाइन क्लास संपादन करवाना तथा शिक्षकों द्वारा संपादित ऑनलाइन क्लास की समीक्षा संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से करवाने के पश्चात संकलित रूप में साप्ताहिक प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य के माध्यम से ही विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य द्वारा अपने विभाग महाविद्यालय के शिक्षकों को विभाग महाविद्यालय बुलाया जा सकता है तथा शिक्षक भी अपनी सुविधानुसार विभाग महाविद्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन क्लास संपादित कर सकते हैं। बिना पूर्व अनुमति के शिक्षक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य से अनुमति के पश्चात ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। माननीय कुलपति महोदय के आदेश से कुलसचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद ने इस आशय की अधिसूचना 1 जुलाई 2020 को जारी की है। कुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अतिथि व्याख्याताओं की समस्याओं के समाधान हेतु लगातार प्रयासरत है। इस संबंध में समय समय पर राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है और वार्ता भी हुई है। सरकार की तरफ से भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के संबंध में सकारात्मक आश्वासन मिला है। आज 2 जुलाई 2020 को भी उन्होंने टेलीफोन पर शिक्षा विभाग के एक उच्च पदाधिकारी से बातचीत की है। शीघ्र ही सरकार से विश्वविद्यालय को अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय भुगतान के मद में राशि प्राप्त हो जाएगी। तदुपरांत सभी अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अतः सभी अतिथि व्याख्याताओं से अपील है कि वे संयम से काम लें और विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग करें। अभी कोरोना संक्रमण के खतरों के मद्देनज़र अपने घरों पर ही रहें और ऑनलाइन टीचिंग का कार्य जारी रखें। मैंने 10 बजे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अजीत बाबू से टेलीफोन दूरभाष पर हमने बात किया तो वे हमको कहे जो फाइल बढ़ गया है और माह जून के साथ आपके अतिथि शिक्षक का CFMS के माध्यम से भुगतान चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नवंबर से फरवरी तक आपका भुगतान चला जाएगा, इसलिए एक सप्ताह के अंदर ही सभी अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान प्राप्त हो जाएगा। और हमने नियुक्ति कोषांग को भी आदेश दे दिया है जो वे सबों का अपना जितना भी मानदेय होता है बनाकर तैयार रखें, पैसा आते ही हम भुगतान कर देंगे। इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों से आग्रह है कि 4 जुलाई से जो उनका धरना कार्यक्रम है उसको स्थगित रखा जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग किया जाए जिस प्रकार पहले से सहयोग करते आ रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमण का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टीचिंग का कार्य जारी रखें।
हम विश्वविद्यालय प्रशासन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पटना विश्वविद्यालय पटना के भौतिक शास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर AKP यादव के निधन से पूरे बिहार एवं देश में शोक की लहर व्याप्त है। बिहार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के एक समर्पित एवं जुझारू नेतृत्वकर्ता डॉक्टर यादव के निधन पर BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी सहित सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आज डॉक्टर AKP यादव साहब के निधन का समाचार सुनकर मन बिल्कुल दुखी हो उठा। शिक्षक समाज को जो उन्होंने इज्जत प्रतिष्ठा दिलाई, उसके लिए शिक्षक समुदाय हमेशा उन्हें याद रखेगा। एक प्रकार के ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको कि निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे संघ के जुझारू नेता के साथ साथ शिक्षकों की हमेशा हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके इस प्रकार के आकस्मिक निधन पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को साहस प्रदान करें जिससे कि वो इस प्रकार के दुख को सहन कर सके। 3 जुलाई 2020 को डॉक्टर AKP यादव के सम्मान में विश्वविद्यालय में अपराह्न 4 बजे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। BN मंडल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कल 4 बजे शाम में माननीय कुलपति भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में कुलपति वेश के सामने शिक्षक संघ के BN मोटा, BN मंडल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और BN मुस्टा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण कर्मचारीगण उसमें शिरकत करेंगे और हम लोग शोक सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। BNMU संवाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत लगातार व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। 2 जुलाई 2020 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मंगला रानी ने बिहार के गौरव अद्भुत व्यक्तित्व डॉक्टर सीताराम दीन विषय पर अपना व्याख्यान दिया। 1 जुलाई को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर कर्मानंद आर्य का व्याख्यान आयोजित किया गया था। आप 3 जुलाई को शिवनंदन प्रसाद मंडल साधना एवं संघर्ष विषयक व्याख्यान की 7वीं कड़ी का सुबह 11 बजे से हमारे YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण होगा। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमारे व्याख्यानों को सुनकर लाभ उठाएं। आगे हम BN मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी, राजभवन पटना में जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार पाठक, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य एवं राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर राम नरेश सिंह, विश्वविद्यालय के पूर्व DSW डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव सहित कई विद्वानों के व्याख्यान आयोजित करेंगे। शीघ्र ही इन व्याख्यानों की तिथि घोषित की जाएगी। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप BNMU संवाद के प्रति अपना सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।